पबजी से लेके BGMI तक का जो सफ़र है वो 4 से 5 सालों का हो चुका है, लेकिन आज भी मैक्सिमम जो बंदे हैं उनको सेंसिटिविटी के बारे में पता नहीं होता है, जिसका फ़ायदा बहुत से यूट्यूबर उठाते हैं और अपना सेंसिटिविटी कोड शेयर करते हैं जिससे बोलते हैं कि आपका रिकॉइल 0 हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। हाँ, कुछ डिवाइस में काम करता होगा, लेकिन देखो ऑल डिवाइस के लिए नहीं होता है वो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे समझाने वाला हूँ सेंसिटिविटी का कौन सा जो पार्ट है वो जायरो प्लेयर्स के लिए है और कौन सा नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिसमें आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा और आप अपना सेंसिटिविटी खुद सेट कर पाओगे और दूसरों का जो कंट्रोल कोड है उसको कॉपी करके बेवकूफ बनने से बच जाओगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आप सेटिंग को ओपन करोगे आपको सेंसिटिविटी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे सामने आपकी ओवरऑल सेंसिटिविटी का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत से बंदे अभी भी अपना सेंसिटिविटी यहीं से कंट्रोल करते हैं ओवरऑल सेंसिटिविटी से, जो कि यार बिल्कुल गलत है, ठीक है। और क्यों गलत है मैं बताता हूँ आपको। देखो पबजी अभी BGMI के अंदर जितने भी वेपन्स होते हैं ना, सबका रिकॉयल अलग अलग होता है, किसी का कम होता है तो किसी का ज्यादा रिकॉयल होता है, ठीक है। तो मान लो हमें अपने M416 के रेड डॉट का सेंसिटिविटी सही करना है, तो हमने यहाँ से सेट कर दिया तो वो सारे वेपन्स पे अप्लाई होता था, ठीक है। क्योंकि यार देखो बैरल का रिकॉयल ज्यादा होता है, तो अब जो M4 पे मैंने सेट किया है वो तो बैरल पे काम करेगा नहीं ना, तो उतना एक्यूरेसी नहीं आता था पहले, ठीक है। तो इसीलिए गेम में अपडेट आता गया तो हमें एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल गया, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको देखने के लिए मिल गया होगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको अलग अलग गन्स के स्लॉट देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि SR, DMR, SMG, शॉटगन, LMG, पिस्टल, मिली वेपन्स और अदर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने गन्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से M4 को सिलेक्ट कर लिया है और AKM को, स्कारल को, ऐसे ही आप अपना सेट कर सकते हो, ठीक है। और अलग अलग गन्स का यहाँ से आप अपना सेंसिटिविटी सही कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब भी आपको अपना सेंसिटिविटी सही करना होना तो आपको एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपने गन्स को सिलेक्ट कर लेना है, तब जाके अपना सेंसिटिविटी को सही करना है। तो यहाँ पे अगर आपको M416 का सेंसिटिविटी सही करना है तो उस पर आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद नीचे कैमरा सेंसिटिविटी, ADS सेंसिटिविटी, जायरो सेंसिटिविटी, ADS जायरो सेंसिटिविटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि M416 के लिए ही होगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कैमरा सेंसिटिविटी का, तो इसे समझते हैं पहले। तो पहला है TPP नो स्कोप, ठीक है, इसे हिप फायर भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको मैं 1 पे सेट कर दूं तो फिर देखना क्या होता है। अभी देखो मैं इसको 1 पे सेट कर लिया हूं, ठीक है। तो अभी जैसे ही मैं गन को हाथ में लूंगा M416 को, तो यहां पे देख सकते हो जो मेरा कैमरा है वो बिल्कुल रोटेट नहीं कर रहा है, कितना ही मैं फिंगर को स्लाइड कर रहा हूं स्क्रीन पे बिल्कुल भी रोटेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहां पे आपको एक बात ध्यान देना है, जो कैमरा सेंसिटिविटी होता है ना वो आप जब फायर नहीं करते हो ना तभी वर्क करता है, ठीक है। जब आप फायर करते हो तो आपका ADS सेंसिटिविटी वर्क करता है, अगर आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैं TPP नो स्कोप को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो जो मेरा कैमरा है वो चारों तरफ रोटेट करेगा, देख सकते हो यहाँ पे आप। तो यहाँ पे आपको कैमरा सेंसिटिविटी में TPP नो स्कोप आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो जो अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, उसमें दिया गया रेड डॉट होलोग्राफिक और एम असिस्ट का ऑप्शन, ठीक है। अगर आपके गन में रेड डॉट स्कोप या होलोग्राफिक स्कोप लगा है तो उसको अगर ओपन करोगे ना आप, तब जाके सेंसिटिविटी वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं होलोग्राफिक लगा लिया हूँ अपने गन में और इसको मैं जैसे ओपन करके अपने एम को देखो मूव कर सकता हूँ चारों तरफ, क्योंकि ये 1 पे नहीं सेट है, ठीक है। जैसे मैं इसको 1 पे कर दूंगा तो देखना मेरा एम, अभी यहाँ पे मैंने इसको 1 पे कर दिया है। अब जैसे ही अपने मैं स्लाइड करूंगा स्क्रीन पे ना स्कोप को ओपन करके, तो ये मेरा एम बिल्कुल मूव नहीं करेगा, एक जगह पे स्टक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसके पॉइंट को इंक्रीज करूंगा तो मैं यहाँ पे आसानी से कैमरे को रोटेट कर पाऊंगा होलोग्राफिक को या रेड डॉट के साथ। यहाँ पे देख सकते हो कितना आसानी से यहाँ पे मेरा जो एम है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बात करते हैं अगले पॉइंट का, जो कि है 3x का। तो 3x का सेम ऐसे ही है, अगर आपके गन में 3x लगा हुआ है तो अगर आप इसको 1 पे कर दोगे ना तो बिना फायर किए, जब आप फायर नहीं करते हो तभी ये सेंसिटिविटी वर्क करता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो इसको अगर आप मूव करोगे तो यहाँ पे ये मूव नहीं करेगा, देख सकते हो। और जैसे ही मैं इसको हल्का सा पॉइंट्स को ऐसे ही इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये उसी के हिसाब से मूव करेगा, ठीक है। अगर जाता रहेगा तो काफ़ी तेज़ी से हल्का स्लाइड करने पे तेज़ी से मूव कर जाएगा, और जितना कम पे रहेगा उतना कम स्लाइड करने पे मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है 6x का। तो 6x का भी सेम वही हाल है, कैमरा सेंसिटिविटी में अगर आप 1 पे कर दोगे ना तो बिना फायर किए हुए, ठीक है, जब आप अपना एम ऐसे ट्रांसफ़र करते हो कहीं भी स्कोप खोल के, तो वो नहीं होगा, ठीक है। जब आप पॉइंट को इंक्रीज करते जाओगे तब आपका जो जिस हिसाब से आप पॉइंट को सेट करोगे वैसे ही जैसे स्लाइड करोगे फिंगर, हल्का स्लाइड करोगे तो हल्का होगा, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है FPP नो स्कोप का। तो अगर आप FPP मोड खेलते हो ना तो इसमें सेंसिटिविटी वर्क करता है, अगर आप इसको 1 पे कर दोगे ना और FPP में आप हो तो यहाँ पे जो आपका जो कैमरा है वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप अपना स्कोप ऑफ रखते हो तो इसमें भी ये सेंसिटिविटी वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड करोगे स्लाइड नहीं होगा अगर आप इसको 1 पे सेट किए हो तो, ठीक है। तो जितना इस पॉइंट को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे आपका कैमरा रोटेशन होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो है 2x और 4x का। तो ये भी सेम वैसे ही वर्क करता है, अगर आप इसको 1 पे कर दोगे तो कैमरा आपका
मूव नहीं करेगा। अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे तो उसी हिसाब से आपका जो कैमरा है वो मूव करेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेंगे एडीएस सेंसिटिविटी का, जो कि नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जितने भी नॉन जायरो प्लेयर्स होते हैं ना, उनका जो सेंसिटिविटी है वो यहीं से सही होता है, उनका रिकवर यहीं से कंट्रोल होगा, ठीक है। और ये वाला जो सेंसिटिविटी है, एडीएस सेंसिटिविटी, ये फायर करते वक्त वर्क करता है। जब आप गेम के अंदर फायर करते हो ना, तब एडीएस सेंसिटिविटी काम करता है, ठीक है। तो एडीएस सेंसिटिविटी में जो पहला है वो है टीपीपी नो स्कोप। जब मैं बिना स्कोप को ऑन किए फायर करूंगा तब ये सेंसिटिविटी मेरा वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो अभी जो मेरा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, वो मेरा इंक्रीज है, ठीक है, मैंने ऑन पे नहीं किया है। तो मैं फायर करते वक्त यहाँ पे आसानी से कैमरे को रोटेट कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको वन पे कर दूंगा तो देखना, यहाँ पे मैं एडीएस सेंसिटिविटी को वन पे कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखना है मैं फिंगर को कितना भी स्लाइड कर लूँ ना, फायर करते हुए देखना, ठीक है। अब मैं फायर कर रहा हूँ, देखो कितना भी फिंगर स्लाइड कर रहा हूँ, मेरा एम नहीं मूव हो रहा है। जो हल्का हल्का आपको हिल रहा है ना, वो मेरा जायरो ऑन है, इसलिए हिल रहा है मेरा स्क्रीन, ठीक है। तो इसमें जो अगला पॉइंट है वो है रेड डॉट होलोग्राफिक और एम असिस्ट का, ठीक है। तो जब मेरे एम फोर में रेड डॉट या होलोग्राफिक लगा रहेगा, ठीक है, और जब मैं स्कोप ऑन करके जब मैं फायर करूँगा तब ये सेंसिटिविटी वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जब मैं फायर करूंगा तब ये मूव करेगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं फायर करते हो तो आसानी से यहाँ पे अपने एम को मूव कर पा रहा हूँ, जो कैमरा है वो आसानी से इधर उधर रोटेट कर पा रहा हूँ मैं स्लाइड करके फिंगर की मदद से। अगर वहीं पे मैं इसको वन पे सेट कर दूँ फिर मैं फायर करूंगा, अगर स्कोप को ऑन करके रेड डॉट या होलोग्राफिक को, तो जो मेरा एम है वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। तो पहले मैं इसको वन पे सेट कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे फायर करते वक्त फिंगर स्लाइड कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ऑटोमेटिक, वो रिकॉल की वजह से, फिंगर की वजह से वो स्लाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी जो अगला ऑप्शन है वो 3x का और 6x का। अगर आपने रेड डॉट को समझ लिया है और पिछले वाले कैमरा सेंसिटिविटी में सब कुछ समझ लिया है ना, तो आपको यहाँ भी सब कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर मैं सब कुछ बताऊँगा बारी बारी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला ऑप्शन है FPP नो स्कोप का। तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, अगर आप बिना स्कोप ऑन किए FPP अगर खेल रहे और फायर करोगे ना, ठीक है, तो आपका एम मूव करेगा। अगर ऑन पे कर दोगे तो आपका एम एक जगह रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी जो अगला है वो है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। अगर आप एक जायरोस्कोप प्लेयर हो ना, तो आपको एडीएस सेंसिटिविटी को छोड़ देना है, ठीक है। बाकी कैमरा सेंसिटिविटी, जायरोस्कोप सेंसिटिविटी और एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, यही तीनों आपको सेट करना होता है, ठीक है। और अगर आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो आपके लिए है कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी, ठीक है। आपको जायरो का जो ऑप्शन है उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं जायरोस्कोप सेंसिटिविटी को, ठीक है। ये बिल्कुल कैमरे सेंसिटिविटी की तरह ही होता है, ठीक है। बस यहाँ आपको थंब को स्लाइड नहीं करना रहता है स्क्रीन में, आपको इसे डिवाइस को टिल्ट करना रहता है लेफ्ट या राइट या ऊपर नीचे, ठीक है, तब ये सेंसिटिविटी यहाँ पे काम करता है। आप थंब को कितना भी स्लाइड कर लो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में अगर मैं टीपीपी नो स्कोप को अगर वन पे कर दूंगा ना, तो मेरा जो जायरो है वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। जब मैं फायर नहीं करूँगा तभी ये वर्क करता है। देख सकते हो पूरा जो अभी थंब से स्लाइड कर रहा हूँ तो मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे जायरो का यूज़ कर रहा हूँ, देखो तो पूरा मेरा एम जो है एक जगह रुक चुका है और लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं हो रहा है। जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में जो दूसरा ऑप्शन है वो है रेड डॉट और होलोग्राफिक का। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा 6x को, फिर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अभी मैंने इसको वन पे किया है, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो एम है मूव नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो मेरा रेड डॉट है मैं उसको सही कर लूँगा यहाँ पे। और जो अगला ऑप्शन है वो है 3x का, तो मैं इसको भी वन पे करके दिखाता हूँ। ये सभी चीज़ें मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो आगे चल के सेंसिटिविटी को सेट करने में। अगर आप एक जायरो प्लेयर हो तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आगे चल के आपको अच्छे से बताऊँगा कैसे आप रिकॉल कंट्रोल कर सकते हो। और मैं यहाँ पे 6x को अच्छे से आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा अभी जीरो रिकॉल करके, ठीक है। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे जो जायरोस्कोप सेंसिटिविटी का ऑप्शन है अभी तक तो आप समझ चुके होंगे, तो अभी आपको मैं बताता हूँ जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी को, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में नो स्कोप FPP को मैं समझा दे रहा हूँ। इसको अगर आप ना बिना स्कोप ऑन किए कैमरे को रोटेट करोगे जायरो तो ये वर्क करेगा, ठीक है। अगर आप इसको वन पे कर दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अगला है यहाँ पे एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी कब वर्क करता है, जब आप गेम के अंदर फायर करते हो तो अपने एम को मूव करते हो जायरोस्कोप की मदद से, डिवाइस को लेफ्ट राइट या अप डाउन टिल्ट करके, ठीक है, तब ये सेंसिटिविटी वर्क करता है गेम के अंदर। एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में मैंने टीपीपी नो स्कोप को वन पे कर दिया है, तो फायर करते वक्त मेरा जो एम है बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, कितना ही मैं डिवाइस को यहाँ पे टिल्ट कर लूँ। तो यहाँ पे अगला ऑप्शन है रेड डॉट होलोग्राफिक का। तो जब मैं गन में होलोग्राफिक या रेड डॉट लगाऊंगा तो ये सेंसिटिविटी वर्क करेगा फायर करते वक्त, जब मैं स्कोप ऑन करूंगा तो।
जब मैं फायर कर रहा हूँ तो ये मेरा एम बिल्कुल मूव नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने इसको वन पे कर रखा है। तो अगर रेडियस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में अगर आपने रेड डॉट को समझ लिया है तो आपको सभी स्कोप के बारे में पता हो गया होगा, ठीक है। तो अभी टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपको जियो रिकॉइल का जो सेंसिटिविटी है कैसे आप पा सकते हो अगर आप एक जायरो प्लेयर हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा 3x का जो M416 के साथ जो स्प्रे है वो काफ़ी शानदार जा रहा है, और रिकॉइल मतलब बहुत ही कम है, हल्का फुल्का है, ठीक है। वो डिपेंड करता है मैं कितने अच्छे से जायरो को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक जायरोस्कोप प्लेयर हो और वीडियो को आपने यहाँ तक अभी तक देखा है तो मैं आपको एक M416 और 3x का जो जीरो रिकॉइल सेंसिटिविटी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कैमरा सेंसिटिविटी में आने के बाद 3x को कर लेना है 65 पे, ठीक है, और जाना है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में, यहाँ पे आपको 3x को कर लेना है 250 पे, ठीक है। और ADS जायरोस्कोप सेंसिटिविटी में आने के बाद आपको उसको भी 250 पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको स्प्रे, ठीक है। अगर आपके डिवाइस में हल्का फुल्का अगर काम ना करे ना तो आप कैमरा सेंसिटिविटी में जाना, उसको आप 65 से 60 पे या 70 पे करके सेट करना, ठीक है। तो यहाँ पहले स्प्रे देख लो, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना शानदार स्प्रे जा रहा है मेरा, यहाँ पे बिल्कुल रिकॉइल जीरो के बराबर है। तो आप भी इस तरीके से अपने सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हो। जैसे भी GMI का न्यू अपडेट आएगा 9 तारीख को, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए सेंसिटिविटी का प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।